नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, डिश कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर टेस्ट करना बताएंगे, चेक करना बताएंगे, इनकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं और इनका सिंबल भी बताएंगे। इनका सिंबल कैसे होता है, डिश का सिंबल कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सिंबल कैसे होता है और वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही वर्बली बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे डिश टाइप के कैपेसिटर हैं, ये हमारे डिश वाले कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये देखिए, ये सब हमारे पास ये डिश वाले कैपेसिटर हैं, तो इनकी वैल्यू इनके ऊपर लिखी हुई होती है, और यदि वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताएंगे। ये देखिए, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। और दोस्तों, ये एक ये वाले डिश कैपेसिटर हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। ये देखिए, इनके ऊपर भी इसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। यदि इनकी वैल्यू किसी कारण से मिट जाए, साफ हो जाए, तो हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। और ये वाले हमारे कैपेसिटर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, इसमें प्लस माइनस होता है। ये देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें देखिए ये माइनस है और ये हमारा इधर प्लस है, तो इसमें प्लस माइनस होता है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा आप मैग्नेट टाइप का देख रहे होंगे, ये हमारा एक इलेक्टर है, और यहाँ से हम इसको वेरी करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हम इसको वेरी करते हैं, ये तो जैसे इसके अंदर जाएगा इसकी हमारी वैल्यू चेंज होती है। तो हमें इसको, हम इसके इसको गेंग के रूप में भी, जो हमारा रेडियो में ट्रांजिस्टर में एक गेंग होता है, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है, तो ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। तो दोस्तों, हम इसकी वैल्यू चेक करके आपको बताएंगे इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, कैसे चेक होती है। वो इनके सिंबल बता देते हैं, इनके सिंबल कैसे होते हैं। ये देखिए, जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है, इसका सिंबल कैसे होता है। ये हमारा डिश कैपेसिटर है, तो सबसे पहले यहाँ से डिश कैपेसिटर है, तो डिश का सीधा सीधा ये इस टाइप से हमारा होता है, ये हमारा डिश हुआ, और ये नॉन पोलर होता है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, ये हमारा सिंबल डिश वाला हुआ। और दोस्तों, ये सारे हमारे डिश वाले हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ देखिए इस टाइप से ये बना लीजिए, यहाँ से ये हमने बनाया ये। तो दोस्तों, इसमें प्लस माइनस होता है, ये हमारा ये प्लस होता है और ये वाला हमारा माइनस होता है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलिक हुआ और ये हमारा डिश वाला हुआ। और दोस्तों, ये हमारा ये वेरिएबल है। वेरिएबल कैपेसिटर कैसे होता है, ये देखिए, वेरिएबल कैपेसिटर ऐसे होता है। ये दो हमारी लैग हुई, जैसे इसमें ये लैग है, इस वाले कैपेसिटर में ये दो लैग हैं, इसमें भी दो लैग होती हैं, और इसमें इसका सिंबल ऐसे होता है, ये एरो ऐसे होता है। इस एरो का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, यहाँ से चेंज होती है। तो दोस्तों, ये हमारे वेरिएबल कैपेसिटर हुआ, ये वेरिएबल कैपेसिटर हुआ। तो कैपेसिटर के सिंबल ये हुए, ये तीन तरह के कैपेसिटर हैं, और हैवी कैपेसिटर भी आते हैं। इसके बाद हम आपको मल्टीमीटर से इनको टेस्ट करना बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर होगा, डिजिटल मल्टीमीटर को आपको यहाँ कैपेसिटर रेंज में चेक करना होता है। यहाँ हमने ये नैनो फैराड में इसको ले लिया है, और अब हम इसकी वैल्यू यहाँ चेक करेंगे। इस पे जो लिखा हुआ है इसको भूल जाए, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला 199 200 नैनो फैराड का ये कैपेसिटर है, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 0.22। तो ये हमारे 0.22 वैल्यू का कैपेसिटर हुआ 200 नैनोफेराड। हम इसको नैनोफेराड में भी चेक कर सकते हैं, और हम इसको माइक्रोफेराड में भी, 0.22 माइक्रोफेराड। तो दोस्तों, मैंने इसकी वैल्यू निकालना भी आपको बताया था, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप चैनल पर जाकर
तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालना भी आप वहां जाकर सीख सकते हैं। अब ये कैपेसिटर वैल्यू देखिए, ये अब हमने कैपेसिटर में यहाँ सेट किया हुआ है, प्लस पे प्लस लगाएंगे, माइनस पे माइनस लगाएंगे। ये माइनस पे हमने माइनस लीड लगाई, प्लस पे प्लस लगाई। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों 922, तो 922 इसकी वैल्यू दिखा रहा है। और इस पे जो हमारी वैल्यू है ये देखिए, ये 1000 माइक्रोफेरड इसकी वैल्यू है और 50 वोल्ट का है। तो दोस्तों ये हमारा 1000 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, और हम इसको उल्टा भी लगा सकते हैं, ये उल्टी भी चेक कर रहा है। अब माइनस वाले पे हम प्लस लगाएंगे, प्लस और माइनस पे हम प्लस लगाएंगे। देखिए 927 ये, तो दोस्तों 927 इसकी वैल्यू बता रहा है, थोड़ी कम बता रहा है। ये इसमें 10% की टोलरेंस होती है, इसके ऊपर होता है 10% की टोलरेंस। ये देखिए पूरी जो हमारे ये लिखा हुआ है, और ये 85% इसका कैपेसिटी है, इतना ये हीट हो सकता है 85 वोल्ट तक। तो दोस्तों हमने आपको डिस कैपेसिटर चेक करना बता दिया है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चेक करना बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं वेरिएबल कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसकी इस टाइप से इसको रखते हैं, इन्हें सबको यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमने यहाँ से ये सब हटा लिया है, ये देखिए। अब हम आपको इसकी वैल्यू हम आपको कहाँ दिखाएंगे, इसकी वैल्यू हम दिखाएंगे यहाँ एंड टू एंड। ये एक एंड हमारा ये हुआ, एक एंड ये हुआ, इधर यहाँ इस पे जुड़ा हुआ है और इधर यहाँ जुड़ा हुआ है, और हम इसकी वो चेक करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये देखिए नैनो फेरेड पर लगाया हुआ है, तो यहाँ इसकी लीड ये लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ लीड इसकी लगाई, और इधर भी इसकी हमने ये लीड लगाई इसके यहाँ से। अब जैसे हम यहाँ घुमाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, देखिए 1 नैनोफेराड का ये आ गया है, 1 नैनोफेराड कैपेसिटर की वैल्यू आ रही है। ये देखिए ये 2 नैनोफेराड, धीरे धीरे चलाएंगे, ये देखिए 2 नैनोफेराड, 4 नैनोफेराड। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लीड हटा लेते हैं, देखिए इसकी वैल्यू 1 नैनोफेरड दिखा रहा है। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे 5 नैनोफेरड, देखिए दोस्तों इस टाइप से हम इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर हमने चेक करके दिखा दिया। जब कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ चेंज होती है, जैसे हमारा गैंग कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग चेंज होती रहती है, कभी कोई वैल्यू आ जाती है कैपेसिटर की, कभी कोई वैल्यू, और जब कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।